क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 25 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 25 कैसे होगा, इसका सोल्यूशन होता है। तो इसको हम लिखते हैं, पहले इसको करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉस 4x को सॉल्व करके हमको इतना लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 into 2x लिख रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin² a का। cos 2 = 1 - 2 sin² का फॉर्मूला, क्यों हम साइन स्क्वायर ए का ही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos² - 1 भी होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos² - 1, और इसका एक फॉर्मूला और होता है cos² - sin². तो हम यहाँ पर क्यों 1 - 2 sin² ही क्यों लगाएंगे, ये कैसे पता है? तो देखो, हमको जो प्रूव करना है यहाँ पर sin² है, तो हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लिखेंगे अब cos 2a को लिखेंगे 1 - 2 sin² हो गया 2a, ठीक है, 2a मतलब यक्स है, 2a मतलब यक्स है। अब इसको क्या करेंगे, 1 - 2 sin 2x का होल स्क्वायर किया हमने, ये होल स्क्वायर है ही 1 - 2। अब 2a का 2a को हम फिर लगाएंगे फार्मूला sin 2a का 2 sin a into cos a, ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहां लिख रहे हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 - 2, और ये स्क्वायर इसका होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, और ये sin² x cos² x, तो ये हो गया 1 - ये 2 है ना, ये 2 है, तो ये 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 4 = 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से लिखा हुआ है cos 6x, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 24 है उसी तरह से करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से cos 3a 4 cos³a - 3 cos a, ये फार्मूला लगाएंगे 4 cos³a - 3 cos a, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos 3 2x फार्मूला लगा रहे हैं। अब लिखेंगे इसको इस तरह से 4 cos³a, या 3a के जगह पर जो 3a होता है वो यहां पर अब x आ जाता है, तो यहां पर अब आ जाएगा 2x - 3 cos a के जगह पर आ जाएगा यहां पर 2x, ये 2x यहां पर a है, तो ये आ जाएगा 2x। अब हम लिख रहे हैं 4, ये cos³ है, तो हम इसको लिख रहे हैं cos²³ - 3 cos²x। अब हमारे पास cos²x का दो फार्मूला, 1 - 2 sin² x, और दूसरा फार्मूला है 2 cos² x - 1। अब कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे, ये तो देखो इसका राज इसी में छिपा है, क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है सभी में कॉस कॉस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos² x। तो अब लिखना है 4 2 cos² x - 1, अब यहां पर ब्रैकेट लगाने जरूरत नहीं, 3 लिख पाओ, और ये -3 cos²x, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos² x - 1, अब ये 4। अब यहां देखो ये a - b³ है, a - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b³ का फॉर्मूला होता है a³ - b³
माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा तो यहाँ पर लिख रहे हैं टू, टू का क्यूब करेंगे तो एट हो जाएगा, टू का क्यूब करेंगे तो एट हो गया। कॉस इस कॉस स्क्वायर है और जब इसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस सिक्स का पावर एक्स, कॉस सिक्स पावर एक्स माइनस ये वन का क्यूब करेंगे तो वन ही होगा, माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, थ्री इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या है, टू का स्क्वायर हो गया फोर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया कॉस एक्स टू पावर फोर एक्स इंटू बी, बी का मतलब वन है तो वन ही रहेगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है थ्री इंटू ए, ए का मतलब क्या है यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर वन है तो वन का स्क्वायर करेंगे वन ही होगा, फिर माइनस अब इसको ब्रेक कर दे थ्री टू या सिक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस या थ्री का वन में करेंगे तो थ्री आ गया। अब इसको भी ब्रेक कर दो फोर टू या फोर एट या थर्टी टू हो गया, थर्टी टू कॉस एक्स टू पावर सिक्स, फिर ये माइनस फोर हो गया और ये फिर माइनस फोर फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेल्व फोर या फोर्टी एट आएगा, फोर्टी एट कॉस एक्स टू पावर फोर, फिर प्लस फोर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो थ्री टू या सिक्स और सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, वन के मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा और ये माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। अब कॉस एक्स को डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख दो, ये होगा थर्टी टू कॉस एक्स टू पावर सिक्स, फिर ये माइनस फोर्टी एट कॉस एक्स टू पावर फोर, अब बचा यहाँ पर ट्वेंटी फोर कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा सिक्स, तो ट्वेंटी फोर में से सिक्स गया तो बचा एट्टीन, एट्टीन बचा प्लस एटीन, प्लस एटीन बचेगा और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, अब बचा क्या नंबर बचा, माइनस फोर नंबर है और यहां पर आ जाएगा प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री और ये माइनस फोर, ये बन जाएगा माइनस वन, तो थर्टी टू कॉस एक्स टू पावर सिक्स, थर्टी टू कॉस एक्स टू पावर सिक्स माइनस फोर्टी एट कॉस एक्स टू पावर फोर माइनस फोर्टी एट कॉस एक्स टू पावर फोर प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन आ गया, राइट हैंड साइड आ गया।